सो हेलो एंड वेलकम गाइस, एंड दिस साइड और विजय है, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस 20 मिनट की सीरीज में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर कवर कर सकते हैं फॉर योर रिवीजन, क्योंकि पेपर आ रहे हैं, इसीलिए हमें इस 20 मिनट सीरीज को कंटिन्यू रखना पड़ेगा ताकि आप पेपर के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट वाला चैप्टर जो फुली एक्सप्लेन सीरीज अगर आप देख चुके हैं, नहीं देखा तो देखिए, और नहीं भी देखा तो इसे देख लीजिएगा, आपको एक क्विक रिविजन मिल जाएगा, आपको समझ में आएगा कि पूरे चैप्टर के अंदर है क्या। असल में अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हम चलाते हैं, तो आप हमारे साथ उन प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ेंगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। अच्छा, तो इस चैप्टर में पूरी तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर बात करी गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास। तो मानव विकास की सबसे पहले शुरुआत करी गई है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है मानव विकास, या विकास का मतलब सिर्फ ऐसा होता है कि बेहतर समाज, प्रगति, उपलब्धि, कल्याण और बेहतर समाज सुधार, प्रगति, ये बहुत कुछ है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर आप समझने की कोशिश करें तो डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसी थ्योरी है, विकास का मतलब एक ऐसी थ्योरी है जिसमें सब कुछ बेहतर हो, समाज कल्याण की बात हो रही हो, डेवलपमेंट की बात हो रही हो, नई उपलब्धियों की बात हो रही हो, वगैरह वगैरह, ये डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है जहां इंसान के विकल्पों में वृद्धि हो जाए, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। आपको पता है डॉक्टर महबूब उलक ने यही थ्योरी दी थी, और एक अमृत सेन है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं विकास की कैपेसिटी के ऊपर बात करी थी, ह्यूमन कैपेसिटी के ऊपर बात करी थी, जो अलग अलग थ्योरी पे होती है। असल में डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है, डेवलपमेंट का मतलब हमेशा याद रखना क्वांटिटी का बढ़ना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि एक टाउन, एक ही संख्या 2011 के अंदर अगर 1 लाख थी और उसके बाद 2012 के अंदर जाके उसकी संख्या 2021 के अंदर जाके उसकी संख्या 10 लाख हो गई, तो ये याद रखिएगा कि ऐसे डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं है, ऐसे डेवलपमेंट का हमें रत्ती भर भी फायदा नहीं है। हमें डेवलपमेंट चाहिए तो क्वालिटी वाला चाहिए। संख्या अगर बढ़ रही है तो बढ़े, लेकिन एजुकेशन लेवल, लिविंग स्टैंडर्ड और अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें ही बढ़ना ज़रूरी है। और ये चीज़ आपके पेपर के अंदर बताया गया है कि क्वांटिटी का बढ़ना नहीं, क्वालिटी का बढ़ना डेवलपमेंट है। और इसीलिए जनसंख्या कंट्रोल तो खैर होनी चाहिए, और वो इंडिया के अंदर अब देखी जा रही है, इंडिया के अंदर अब देखी जा रही है। तो डेवलपमेंट का बेसिक फंडा ये है। और इंडिया के अंदर सबसे पहले 1990 के अंदर सबसे पहले मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरी अगर कोई देने वाला बंदा था तो सबसे पहले वो थे डॉक्टर महबूब उलक। उन्होंने बताया किस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस तरीके से रिपोर्ट मेजर करनी चाहिए। 1990 के अंदर UNDP को इन्होंने बताया, इसलिए UNDP ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट में बताया कि डेवलपमेंट का मतलब ऐसा होता है कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन और इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट और मिनिमम कंडीशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तो होना चाहिए, वही ह्यूमन डेवलपमेंट है। इसलिए 1990 के बाद जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसके बाद इंडिया के सभी देशों ने UNDP की बातों को ध्यान रखते हुए ये कहा कि तीन चीज़ों पर मेजर करा जाएगा, हम देखेंगे एजुकेशन, हेल्थ और साथ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीन चीज़ों को मेजर करने के बाद हम किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पता लगा पाएंगे कि वो कंट्री कितनी डेवलप है और कितनी विकासशील देशों में आती है या नहीं आती है। और इस हिसाब से मैंने एक स्टैटिक्स निकाला था 2011 का, तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि 2011 के अंदर हमें बता रखा है कि हमारा स्टैटिक्स कहाँ पे आके गुजरा हुआ है। हमारा इंडिया का आया हुआ है 130 नंबर पे। अब पाकिस्तान से ऊपर है तो हम लोग खुश हैं, पाकिस्तान से ऊपर है, पाकिस्तान का 150 है और इसका 130 है तो हम खुश हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि इंडिया का जो इलाका है वो कितना बड़ा है। किसी भी कंट्री के अंदर HDI का कम होना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कम होना एक सीरियस मैटर है, एक सीरियस कंसर्न है, मतलब बहुत ही गंभीर चेतावनी है। ये 2011 के डेटा आपकी बुक में बता रखे हैं कि अगर UNDP तीन चीज़ों को काउंट करता है, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड लिविंग, तो इस हिसाब से हमारी कंट्री के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि हम 188 देशों में से 130वें नंबर पे आ रहे हैं। मैंने कुछ डेटा और उठाए थे 2017 का, 2018 का, तो 2017 में भी हम 130 नंबर पे थे, 2018 में जाके हम 129 नंबर पे आए, 2021 के अंदर हम फिर दोबारा गिर गए, 132वें नंबर पे आई थिंक हम लोग हैं। तो ये चीज़ देख सकते हो कि वैसे तो हम बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिपोर्ट में अभी भी हम बहुत ही निचले पायदान पे देखने को मिलते हैं। यानी कि भारत के अंदर लोगों को मिनिमम एजुकेशन, मिनिमम हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिल पा रहा है, इस रिपोर्ट से तो हमें यही पता चल रहा है। लेकिन हमारा इंडिया बोलता है कि हमारे बैकवर्ड होने का कारण ये था कि हाय अंग्रेज लोग आए और अंग्रेजों ने हमारे सारे रिसोर्सेज के सारे बेनिफिट्स को अपने हिसाब से यूज़ करा और उसके बाद सारी चीज़ों को लेके हमारे भारत से निकल गए। इसीलिए भारत के अंदर एक चैलेंज रहता है हमेशा
मतलब अगर हम 2000 तक देखें तो हमारे देश के अंदर यही चैलेंज था डेवलपमेंट का कि ये सारे विकास को हमें सही तरीके से लाना कैसे, क्योंकि अंग्रेज लोग तो 1757 की बैटल के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद लास्ट 1947 200 साल की गुलाम की आज़ादी के बाद ही यहाँ से निकले, और उसके बाद हमने अपनी अर्थव्यवस्था को सही करा। तो इसीलिए चैलेंजेस है। तो इंडिया ने कहा कि यार ऐसे तो UNDP तीन चीज़ों को मेजर करता है, HDI को मेजर करने के लिए, तो ऐसे तो हम लोग कभी भी ऊपर स्केल पर आ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड करा कि वो खुद की HDI बनाएगा, और प्लानिंग कमीशन ने कहा कि वो खुद के हिसाब से कैलकुलेट करेगा और उसके हिसाब से बताएगा कि अगर ये चीज़ें ठीक है हर स्टेट के अंदर, तो उसने कैलकुलेट करके बताना है कि कौन सा स्टेट सही HDI में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सा एजुकेशन लेवल पर ठीक है या नहीं है, वगैरह वगैरह। अब इसीलिए हमने ये क्यों करा, क्योंकि हम UNDP के अंदर सबसे निचले स्तर पर, इतने नीचे स्तर पर आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया को ही गुलाम बनाया गया, इंडिया को गुलाम नहीं, अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे कंट्रियों को गुलाम बनाया गया था, और उनके सामने ये सारी प्रॉब्लम्स थी। नंबर वन गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, और साथ में लैक ऑफ बेसिक नीड्स। अब अगर ये चीज़ हमारे साथ 200 सालों से रहेगी तो हम कहीं ना कहीं अंग्रेजों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा तो ऐसा तो नहीं कि 200 साल तक हम लोगों को गुलाम बनाया गया था और हम एकदम से 10 साल के अंदर कोई छड़ी घुमाएंगे और हम इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहते हैं पार पा लेंगे। लेकिन हालांकि अगर हम देखें तो 1990 के बाद तो रशिया भी USSR जो है रशिया बना था, लेकिन रशिया इतनी जल्दी आगे कैसे निकल गया, ये एक सोचने वाली गंभीर बात है। लेकिन हाल फिलहाल एशिया और अफ्रीका की सभी कंट्रियों के साथ ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसीलिए इंडिया ने डिसाइड करा कि वो अगर क्या कहते हैं अपना खुद का HDI इंडेक्स बनाएगा तो चार चीज़ को कैलकुलेट करेगा, इकोनॉमिक अटैनमेंट यानी कि आर्थिक प्राप्ति, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और साथ में हेल्थ लाइफ, हेल्दी लाइफ। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, सबसे पहले इकोनॉमिक अटैनमेंट के लिए उन्होंने कहा कि क्या सभी लोगों को रिसोर्स का एक्सेस हो पा रहा है, और उसके लिए उन्होंने GNP कहा, उन्होंने कहा GNP रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि सभी लोगों को इनकम सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है, किसी राज्य का GNP कैसा आ रहा है ना, ये तो इसके हिसाब से हम मेजर कर पाएंगे कि हाँ भाई इकोनॉमिक अटैनमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा है। इसके लिए हमने अश्योरिंग डेवलपमेंट के लिए हमने कहा सभी लोगों को हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देंगे, सरकारी नौकरियां निकालेंगे, वगैरह वगैरह। और उसके बाद हमने कहा कि लार्ज स्केल हमारे भारत के अंदर क्या कहते हैं डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मतलब कोई हिस्सा बहुत ही ज़्यादा डेवलप है और कोई हिस्सा बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं है। अगर हम हाई लेवल ऑफ इनकम देखें तो हमारा महाराष्ट्र के अंदर, पुणे के अंदर, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, और उसके बाद क्या कहते हैं जो सबसे हाई लेवल ऑफ इनकम है यहाँ पे है। उसके बाद लोएस्ट अगर हम देखें UP, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद क्या कहते हैं आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, इधर के इलाकों में हमारा पर कैपिटल इनकम कम है। इसी हिसाब से अगर हम GNP यानी कि GDP भी हम रिकॉर्ड करेंगे तो भी हमारा सही तरीके से डेटा नहीं निकल के आ पाएगा, क्योंकि हमारे भारत में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जॉबलेस की ग्रोथ हो रही है, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रखा है। इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें बहुत लंबा समय लगेगा और इकोनॉमिक अटैनमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हेल्दी लाइफ के लिए हम क्या कर रहे हैं, हर किसी को मिनिमम कंडीशन ज़रूर देंगे कि अगर वो बीमार है तो उससे पहले वो प्रिकॉशन ले सकता है, बीमार हो गया है तो उसके बाद भी उसको अच्छी खासी फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी कि हॉस्पिटल का कंडीशन हम ठीक ठाक कर देंगे ताकि वो लाइफ जो है इलनेस फ्री लाइफ वो आसानी से जी पाए। इसीलिए हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमने ओल्ड एज फार्म बनाए, मतलब जगहें बनाई, हमने कहा कि हम हेल्थ केयर के लिए लोगों को मेडिसिन, हॉस्पिटल, सस्ती मेडिसिन, अच्छे डॉक्टर, इसकी शुरुआत हम लोग कर देंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि अच्छी शुरुआत नहीं है। शुरुआती समय में हमारा क्या कहते हैं हेल्थ केयर इंडिकेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब हम काफ़ी हद तक ठीक कर रहे हैं। अर्ली टाइम पीरियड के अंदर ये सिचुएशन जो थी बहुत ख़राब थी, क्योंकि रूरल और अर्बन इलाकों के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती थी। अर्बन इलाकों के अंदर हेल्थ केयर ठीक ठाक हुआ करता था, रूरल इलाकों के अंदर हेल्थ केयर ठीक ठाक नहीं था। इवन हमें मेल और फीमेल के क्या कहते हैं जेंडर में भी गिरावट देखने को मिली। फीमेल्स बर्थ रेट जो था वो बहुत कम था, मेल बर्थ रेट ज़्यादा था, और ये बहुत दिक्कत वाली बात है। इंडिया के अंदर हम इस पर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये हमारा साल का बता रखा है कि इंडिया के अंदर डेथ रेट जो है वो 2016 के अंदर 1000 लोगों में से 34 था, 2017 के अंदर 33 हुआ, यानी कि फिर भी क्या कहते हैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये फीमेल के बारे में बताया जा रहा है। अब तो 2021 के स्टैटिक्स आए हैं तो उसमें तो हम मेल का फीमेल का स्टैटिक ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट जो था हमारे भारत में फीमेल का कम था, यानी कि इकोनॉमिक हेल्थ केयर जो है, मतलब जो हेल्थ इंडिकेशन दिखा रहा है
उसमें ऐसा नहीं कि हम लोगों को क्या कहते हैं दवाइयाँ अच्छी दे रहे तो उसका हेल्थ केयर सिस्टम ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें दो चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर है सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि हर किसी को हम लिटरेट कर दें, समाज के अंदर लिटरेसी रेट बढ़ा दिया जाएगा, लोगों को एजुकेशन फ्री दी जाएगी, उसको नॉलेज दी जाएगी, तो इसका मतलब उसका सोशल एम्पावरमेंट हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की शुरुआत करी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाए हैं, और साथ में बच्चों को स्कूल के टाइम पीरियड पर स्कॉलर जैसी चीज़ों को, स्कॉलरशिप होती है वह चीज़ों को मुहैया कराया है, मिड डे मील चलाया है, इससे एजुकेशन में ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। इसकी वजह से क्या हुआ, 100% में से इंडिया का लिटरेसी रेट जो हुआ वो 2011 के अकॉर्डिंग जो था वो 74.4% हुआ है हमारा, क्या कहते हैं पूरे इंडिया का, फीमेल हमारा इतना है पूरे इंडिया का। और ये याद करिए कि फीमेल रेशो अगर इतना है हमारा पूरे इंडिया का, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया से भी ज़्यादा केरला के अंदर अगर हम देखें तो 93 में से 91.8%, यानी कि टोटल देश के लिटरेसी रेट से भी ज़्यादा किसी एक स्टेट का लिटरेसी रेट है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे कम कहाँ पे, बिहार में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, और डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर हमें देखने को मिलती है। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए हम लोगों ने, क्योंकि हमें पता है कि हम 131वें नंबर पे आ रहे हैं, और यहाँ पे मानव विकास सूचकांक में देखें तो केरला नंबर 1 पे आता है, दिल्ली नंबर 2 पे अंदर आता है। तो इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें मैटर करती है, और क्योंकि देर आर सेवरल सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल रीजन दैट केरला एबल टू रिकॉर्ड द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ HDI, मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं कि केरला सबसे नंबर 1 पे HDI में आ सकता है, वो तो खैर हो ही सकता है। अब कम HDI होने का किसी स्टेट के अंदर कारण क्या है, कहीं पे अनपढ़ता ज़्यादा हो, लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो, और ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स की वजह से कुछ स्टेट ज़्यादा डेवलप हो गए थे और कुछ स्टेट सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाए, वो भी एक कारण बोला जाता है। इसलिए हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, हम लोगों ने कहा कि हम लोग कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें समाज में डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना पड़ेगा, और HDI को इंक्रीज करने का यही एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हमने सोचा कि महबूब उलक ने बोला कि लोगों की ऑप्शन में वृद्धि कराओ, तो हम लोगों ने मानव विकास की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से सारी समस्याएं पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमें बताया कि रिच कंट्री जो होती है उसकी ज़मीन छोटी होती है, उसकी ज़मीन लेस होती है, और जो रिच मतलब अगर हम छोटी कंट्री देखें तो छोटी कंट्री का HDI हमेशा अपर रहेगा, उसका एरिया छोटा है ना क्योंकि, और उसके बाद हम बड़ी कंट्री देखें तो उसका एरिया बड़ा है, उसका एरिया बड़ा है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये होगा कि अगर रिसोर्स अनइवन है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से होना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो जाएगा तो हर इलाका डेवलप हो जाएगा, और अगर हर इलाका डेवलप हो जाएगा तो सिंपल सी बात है वो अपने आप में HDI रेट के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये मेन कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया के द्वारा अडॉप्ट करने की कोशिश करी जा रही है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इस तरीके से ही डेवलप हो पाएगा। आई होप यू गॉट वेरी मच क्लियर अबाउट दिस चैप्टर। ह्यूमन डेवलपमेंट के पार्ट में इतना सा ही इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है, और आई होप आप MCQ की सीरीज में डेली हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो, मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।